कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। कहते कुंडली में से निकले रेधा सारण धीर, अब जैसे एक ये सांपनी जो होती है सर्पनी, वो अंडे उत्पन्न करती है और जब अंडों से बच्चे निकलने का समय आ जाता है, ये उन अंडों के चारों तरफ अपने दो से एक कुंडली लगा लेती है, घेरा लगा लेती है और फिर उनको अपने फन से फोड़ती है, उसमें से बच्चे निकाल देती है, फिर उन बच्चों को स्वयं ही खाती है। वो एक बच्चे को खा रही है, दूसरे बच्चों को पता है कि तुम्हारी खैर नहीं है, वो तुरंत भागने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर घूमते हैं। परमात्मा कहते हैं जो उसकी कुंडली से निकल गया उसको तो वो खाती नहीं, और कुंडली में रह गया उन्हें सारा न खाओगी। तो ये इब एक कुंडली है इस काल की, और ईव इस कुंडली से निकलने का समय है। इस भक्ति को करके आप निकल गए तो काल की कुंडली से बाहर हो गए, और कुंडली में छोड़े नहीं, यहां रहोगे तो यू खावे खावेगा आपको, दुर्गति करेगा। अब परमात्मा ने अपने पाने का विधान बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, गुरु पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, और ये तीन मंत्र का जाप उसके पास हो और कमलों के मंत्र भी उसके पास हो तो वो पूरा गुरु होगा। अब परमात्मा ने एक पहचान बताई है कि जो मेरा संत होगा, मेरा कृपा पात्र होगा, उसकी एक पहचान और बताई है कि जो मेरा संत मेरा सत शब्द दृढ़ावे, सत शब्द यानी मूल शब्द मूल ज्ञान, जो संत मेरे तत्व ज्ञान को बतावेगा, वह के संग सब राड बढ़ावे और अस संत में धन की करनी, धर्मदास में तो कुवरनी। जो मेरा प्यारी आत्मा जब आवेगा मेरा दास, और जब वो मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा, तो उस समय के ये संत महंत गुरु ये नकली मेरे संत के साथ राड बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, और ऐसी उन नकली संतों और महंतों की क्रियाएं होंगी, लेकिन मैं उसके साथ रहूंगा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, सबको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया था। धर्मदास जी ने कहा था प्रभु आप इन पुण्यात्माओं को यथार्थ ज्ञान देते हो, सच्चाई बताते हो, और यही आपके शत्रु बने हुए हैं। परमात्मा ने कहा
धर्मदास ये मेरे बच्चे हैं और इन्होंने काल की भांग पी ली और शराब पी कर बच्चा अपने बाप को भी गालियां दे देता है, आज ये इस स्थिति है। कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस में समझाऊं या तो कुएं भांगे या किस काल में, सब एक जैसी बोली बोले। जैसे शराब के ठेके पर कोई शराब पी कर आ रहे हो, एक दो तीन चार पांच, उन सभी की एक जैसी बोली होगी और एक जैसी चाल होगी, एक जैसी क्रिया होगी। चाहे सो हो, सो के सोने चलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे। तो अब जितने भी अज्ञान से परिपूर्ण इस काल के अज्ञान की भांग पी रखी है जिन संतों और श्रद्धालुओं ने, वो सब एक का वाणी बोल रहे हैं और यही कहते हैं कि कबीर तो एक कवि था, वो तो दुल्हा था, भगवान तो श्री राम है क्योंकि उनका आत्मधनुष है, भगवान श्री विष्णु जी हैं सुदर्शन चक्कर है इसलिए ना, और दुर्गा भी शक्तिशाली है क्योंकि आठों हाथों में उसके हथियार हैं, हनुमान जी भी शक्तिशाली मान लिया क्योंकि गदा लिए हैं, लेकिन कबीर जी कुछ भी नहीं दिए हुए और किसी को मारा नहीं, उन्होंने तो बहुत से मार दिए इसलिए अब पेपर उबर गए, स्वीकार्य हो गए और परमेश्वर ने कोई मारा नहीं, जीवित जीवित किए, सुख दिए क्योंकि वो आम का पेड़ है परमेश्वर, आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, मधुर फल ही होते हैं, छाया होती है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने फिर आप जी को संदेश किया है कि पूरे गुरु की शरण में आने के उपरांत आप जी ने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है और पूरे गुरु की क्या महिमा है, कितनी वैल्यू होती है गुणात्माओं परमात्मा को पाने में। ये जो हमारी रीति रिवाज है ये भी बाधक है। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछड़ों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं। ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुनात्माओं, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज के नहीं मानते हैं। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहां घर गई, वही रक्षाबंधन का दिन, भाई की इंतजार कर रही थी, दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन की का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा, हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं, हम सबका रक्षक कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, हम सबने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा, हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाति शरणा बसे ताको ताकि लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा वह जैसे गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठकर अकेली,
आए मारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे, कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के, भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है, परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये दसवां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई, तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। अब इसके साथ साथ कहते हैं, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद चुरासी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद चुरासी के, कट गे फंद चुरासी के, रकट गे फंद चुरासी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद चुरासी के, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दोहड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़, ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद चुरासी के। अब गुरु जी के वचन पर आपने अडिग रहना होगा, ये ऐसी समझ लेना, गुरुदेव का आदेश वचन परमात्मा का आदेश होता है, जैसे लक्ष्मण जैसी रेखा समझकर आपने अपने ये भक्ति को सुरक्षित रखना है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, सीता जी से कहा था कि आप इसे बाहर मत जाना, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये कहकर वो बाहर चला गया मर्ग के पीछे श्री रामचंद्र जी की खोज में, अपने भाई की खोज में। पीछे से रावण आया, एक साधु रूप बनाकर आटा मांगा, भिक्षा लेने के लिए जब आगे को आया, उस सिद्धि से रेखा बना रखी थी, चारों तरफ एक लाइन खींच रखी थी जौफड़ी के कुटिया के, रावण निकट आया तो उसमें से एक जबरदस्त लपट निकली, जैसे वो खत्म कर देगा रावण को। रावण 10 कदम पीछे गया एकदम डर के, और सीता से कहा कि आपने मुझे मरवा दिया था, आपने बताया नहीं इसके अंदर यहां इतनी शक्तिशाली रेखा है, और भिक्षा देनी है तो माई बाहर आके भिक्षा दे दे। अब सीता ने सोचा अके बिजली पड़े है, ईब गई ईब आ जाऊं, लेकर आटा, और जो ही आगे पहुंची, रेखा पार करते ही रावण ने पकड़ ली बा आली उल्टी और वहां पटकी जाकर लंका में। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार परमेश्वर का जो आदेश, ये नियम है भक्ति मार्ग का, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना, फिर देखना परमात्मा के हाथ, फिर देखना आपको कितने सुख देगा, गिनती नहीं होगी आपसे। देखो, कोई भी काम करना उसमें मर्यादा होती है, और मर्यादाहीन प्राणी कहीं सफल नहीं होता। एक खेल का मैदान होता है, उसमें भी नियम होते हैं, जरा सा नियम फेल होते ही बाहर कर देते हैं, वो एक सेकंड नहीं रहने देते, तो गया काम से। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, किसी माई को
बहुत समय उपरांत कोई गर्व रहा हो, फिर वो जाने उसकी वैल्यू को। रात्रि में भी करवट लेते समय भी उदड़क कर पड़ेगी नो एकदम बिदक के, हे भगवान कदे मेरे बच्चे पर दाग लाग जा, खराब हो जावे। चलते समय भी ऊंचे नीचे पर पैर रखते हुए सौ सौ बार सोचेगी कहीं मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए और ठेस लगे तो छन होए, क्षण होए, नष्ट हो जाए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। आप जी की भक्ति ऐसे नष्ट हो जाएगी जरा सी भी इसको सावधानी नहीं रखी आपने, तो इसमें बहुत सावधानी है। तो किस प्रकार दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। गुरु को कीजिए दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को हो ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुणात्मा जैसे दास आपको रह रह करिए ज्ञान गीता और वेदों के श्लोक मंत्र परमात्मा की महिमा की शब्द साखियां आपको बार बार सुना रहा है, बार बार सुना रहा है, कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बम्बीरी आपने देखी होगी, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लेती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ कर वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरु जी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहां दौड़ते हैं, वहां काल विद्यमान होता है और सौ सौ बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमजोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, सीडी बनाई है और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा, वो जाएगा यहां से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में न्यायाधीश के पास खड़ा होगा। वहां जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया और वहां वचनबद्ध होकर आया था भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूंगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूंगा लेकिन आपको नहीं भूलूंगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो ये क्या पली लेता है वहां पर, हे भगवान मेरे को किसी ने बताया को नहीं, मुझे आपके ज्ञान की जानकारी नहीं हुई। उसी समय परमात्मा ये आपकी और उसकी वार्ता क्या किसी तरह से, या तो कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा वो और फिर भी रख दी होगी ठाक है, ये तो कोई ना मेरे समझ में आई, मेरे बस की बात कोई ना भक्ति करनी, या कोई भक्त या कोई भाई बहन उसको समझा रहा होगा तो आना का नहीं कर गया होगा। तो वो पिछली बैकग्राउंड चल रहेगी वहां पर, फिल्म चलेगी और धर्मराज ऑन कर देगा, क्या तू क्या कह रहा है कि मुझे बताया नहीं किसी ने, तब दिखा देगा देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है कि भक्ति कर ले और आजा बरुवाला आश्रम में नाम ले ले गुरु जी से, और तू क्या कह रहा है बकवादी, फिर नीचे गर्दन कर लेता है।
वहां पर गवाह की जरूरत कोई ना, वहां तो फिल्म चलेगी सारी। तो क्या बताती हैं, गुरु को कीजिए दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, ऐसे गुरु कर ले आप समान, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल जाने लगावे। कहते हैं गुरुजी मिले जब दंडवत प्रणाम करे और चले जाओ तो पल पल याद रखे। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं। यानी इतनी लगन बने आपका, इतना मन फंस जा गुरुजी के चरणों में। जैसे परमात्मा कहते हैं, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान के बालक भोला रे। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक, 7-8, 5-7 महीने का, और वो टट्टी पेशाब करके बुरा हाल कर लेता है, और माँ आती है उसको भोला बच्चा, उसको पता है, इसके अनजान है, इसको पता नहीं, उसको उसे हेट नहीं करती, उसको नवाती है, स्नान कराती है, कपड़े स्वच्छ पहनाती है, फिर सीने से लगाकर दूध पिलाती है। कहते आप जी इतने बालक हो जो आपने पाप कमा लिए, रिश्वत ले लेकर, मिलावट करके, चोरी जारी करके, सो झूठ कपट करके, आप आज इतने सने पड़े हो जैसे वो छोटा सा बालक टट्टी पेशाब करके बुरा कर ले, फिर रोए, फिर रोने लगता है वो। तो इसी प्रकार इतने पाप इकट्ठे कर लिए आपने, अब उनकी आपत्ति से आपके ऊपर आप रो रहे हो, कष्ट पा रहे हो। फिर क्या बताते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण से तराखो, जो सुई में डोरा रे। कितना सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि तुम ठीक है पाप कर लिए अनजानपने में, बालक हो, परमात्मा को पता है इनके बस की बात नहीं, काल ये जुल्म करवा ही देता है। फिर परमात्मा को आप आज ऐसे ही लगते हो जैसा मानव बालक लगता है, गुरु जी को ऐसे ही लगते हो, आपके इस सत्संग रूपी सरोवर में आपका सब मल धोया जाता है, ज्ञान हटाया जाता है, और राम नाम का साबुन ला के आपका सब मैल नाश कर दिया जाता है। आप जी ने क्या करना है, कहते शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक बोला रे, कह कबीर तुम तो चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। उसी के लिए यहां कह रहे हैं, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी ही, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा की तुल मानिए अपन आत्मा। गुरु जी भगवान नहीं हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे तो परमात्मा थे ही थे, और अब इस दास के ऊपर कृपा कर दी, वही जो है ना औषधि जो परमात्मा देने आए थे, और वह अपने कंपाउंडर तय दे दी, मरीज का असर होगा ही होगा, लाभ होगा ही होगा, वही मेडिसिन है। तो कहते हैं कि आप ये सोच के कंपाउंडर है, इसकी दवाई तक ये असर होगा, तो 50% तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको स्वस्थ नहीं होने देगा। तो यहां आप जी ने के विषय में कह रहे हैं, इस दास के विषय में, कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंत, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अपनात्माओं, गुरु जी भले ही भगवान नहीं है, परंतु आपने भगवान सपोज करना पड़ेगा, तभी आपका ये समस्या हल होगी, आपका ये प्रश्न हल होगा मोक्ष वाला। जिस प्रकार गणित में एक ऋण का सवाल होता, प्रश्न होता है,
उसमें मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये और फिर उससे दर निकल आती है और फिर दर और वो मल्टीप्लाई करके मूलधन ऐसे प्राप्त होता है। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो लाखों करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन उस लाखों करोड़ों अरबों वाले मूलधन को पाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा मूलधन 100 रुपये, तब वो प्रसन्न हल होगा, ना हो को नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आग गए यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को भगवान मान कर जानिए और रहिए शब्द समाए, और जो उसने औषधि दी है, शब्द समाना माने जैसे शब्द सुरत अभ्यास क्या होता है, ये तो नकली जो पहले राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले ये निर कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं शब्द शब्द क्या होती है। ये तो नौकंदर धुन सुन ले धुन, और वो धुन तो इस अंड और पिंड के पार है। शब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर आपका चित्त जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिमरण कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर्म फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मनवा तो कहीं और फिरे, ये कोई सिमरण नहीं। सुरत नृत मन पवन को करो 71 यार, सुरत मन पवन को और ये शब्द को, जैसे आपको नाम दिया है कोई सा मंत्र जाप आप करते हो, आपका जो सुरत और शब्द का जो समाना है अभ्यास है, आप बोल के रहे हो, आप जो अंदर अंदर सिमरण कर रहे हो, श्वास का करते हो, वो श्वास का करते हो, आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका उस पर चित्र है, वो शब्द के ऊपर आप समाये रहो, जो अंदर उस शब्द का आपने उच्चारण किया उसकी आवाज को सुनो, उस पर ध्यान रह के बोल रहा हूं, और वैसे करें वेदों मंत्र फटाफट फटाफट मन को ही, ये कोई सुमन नहीं है। जिस अक्षर को बोल रहे हो उस अक्षर के धुन पर आवाज पर आपका ध्यान जरूर है के बोल रू हूं, तो वो सिमरन सफल है आपका। तो यहां क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत वंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरुदेव मिले तभी दंडवत प्रणाम करे, और आप इधर उधर हो जाते हो, घर जाते हो या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालिक गुरुदेव के एक एक किसी प्रकार से भी प्रभावित रहे उनके किसी भी कारण से, और भूल ना पड़े। जो पुण्यात्मा है बुद्धिमान है उनके लिए तो इतना ही काफी है कि ये ज्ञान आज तक इस पृथ्वी पर कोई देने वाला नहीं था, और ये अनमोल वचन इस दास के माध्यम से आपको परमात्मा ने प्रकट कराए हैं, तो आपके लिए एक विशेष जो है श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के आदेश अनुसार कि गुरु जी को भगवान के तुल माने। ये दास भगवान नहीं लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी, ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहां होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो जो का तो स्वभाव मिलेगा, तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहां भी ऐसा ही करोगे बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए 64 लाख से 181 में, वो दानव कबीर रूप में परमात्मा रहे जो नहा रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना, बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती, हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं।
और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं और यहां भगवान आचार्य जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति बढ़ गई, जितना अंतःकरण निर्मल हो गया, उतना ही अधिक उसके तरफ लगाव आपका होगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं ही जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब में टिक गया मेरे सतगुरु के उपकार। ये प्रभात आप जी को बहुत बार इस दास ने महावीर जैन जी की हिस्ट्री दिखाई है, उन्हीं की पुस्तक में लिखा हुआ। वो कितनी बार तो पशु बने, कितनी बार वो कोई 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और देवता बना, स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर नरक में गया, राजा बना, कितने कष्ट उठाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं जो सतगुरु मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, फिर ये बाईपास निकाल देगा आपको, ये सब झंझट मिट जाएगा। क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का, गुरुदेव से लिए ज्ञान का, नाम का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, अब नरक में के कोई आसानी से प्रवेश कर जाएगा, वहां कोई ना पड़ता, नरक में बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माच रही, सड़े सब कुछ, तो पीछे ये यम के दूत, ये उस यमराज के सिपाही बाल्य लेकर चले हैं और सीधे मारे लठ, जो जिस तरह पशु ने फाटक में रोक आते हैं लट्ठा मार मार के, तो इनके ये उल्टे भागर वो पाछे तो उनका सीधे बाल्य ठोके। ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, पर ये मरता नहीं, इसमें प्राणी सूक्ष्म शरीर में वो उल्टे भागे और वो लठ मार मार के उन्हें नरक में पटके, वह खेचाता है। सतगुर के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुर मिलता नहीं फिर जाता यम द्वार, उस नरक में, उस यमराज के द्वार यानी नरक के द्वार पर जाता। यम द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। वहां कष्ट उठाने के बाद कहते थे 84 लाख योनियों में, चारों खानियों में, या पशु पक्षी गधे कुत्ते बनकर वो कष्ट उठाता है। चार खानी में भ्रमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अपुण आत्माओं, अगर आपकी भांग उतर गई होगी ना इस काल की, अज्ञान की, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मालक ने चार वाणियों बोल दिया। आज आपको जो जड़ी मिल गई सब पापों का नाश करेगी, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, ये परमात्मा कबीर साहब का जो सच्चा ज्ञान और ये मंत्र है, आपको कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं, सात समुद्र की मसीह करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूं गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिखना शुरू करो। कहते हैं सारी पृथ्वी का तो कागज बना लूं पेपर, और सातों समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल कर बना कर, यानी एक एक पेड़ में कितनी कलम बन जाए,
अरबों करोड़ों, और कहते उन सबको सारे जंगल की कलम बना लूं और लिखने लग जाऊं, और ये पृथ्वी जितना कागज भी एंड हो जाए, सातों समुद्रों की स्याही बनकर भी ये सारी खत्म हो जाए और सारी कलम घिस जाए पूरे जंगलों की, तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नहीं जा सकता। एक कुत्ते का जीवन लिख कर देखो, एक दिन बैठ कर जानते हैं उसकी क्या दिनचर्या होती है, उसमें क्या क्या कष्ट आए, और करोड़ जीवन एक कुत्ते के, गधे के करोड़ जीवन, और वो आज बाईपास कर दिए परमात्मा ने, कबीर जी ने। कहते हैं सतगुरु के सिद्धा करूं कर्म छुटाए कोटे, ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर दम तोड़ेंगे ओठे। ऐसे संत की और जो निंदा करते हैं, निंदा करते हैं कहते उनको यम के दूत उनके होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना मीन इतने क्रोधित होकर पीटना कि कहीं भी लगे ये नहीं देखना इसके लग कहां रहा है। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो सो बारे, मानुष से देवता किया और करत न लाई बारे। अब देखो ये बोले वाले संत, इन बोले वाले श्रद्धालुओं को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। एक ही सस्ता सौदा दम दम सतगुरु वाला है। अब इनके फीत लाने से मोक्ष नहीं होगा। इसका नाम है श्री गुरमीत सिंह, और इसने क्यों बना लिया श्री गुरु गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान। हरी बदला गिरा है पूछड़ दान कितनी कोरला होगा। अरे भले आदमी नो कहे अब सब इंसान लिखो, एक जाम तलान लाग गया जाम जाम जामा तपीथा सटवाना, यू सटाट कर दिया इसने। और कहते इंसान लिखो अपने पीछे, तुम इंसान बन गए हो गया बेड़ा पार, हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो भगवान ने बनाए रखे हैं। इनकी अकल भी काम ना करती, ये भोले वाले श्रद्धालु डिवोटी तो बिलीवर होते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए, इनको कैखे का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। इनका एक ये मेरे पास रखा समय नहीं है, इनकी विचार गुरमीत सिंह जी के इसके अंदर लिखे, इनके अखबार है सच कहूं बड़का नास्ती आवेश आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर। ये तो इंसान बनावे, और परमात्मा कहते इंसान से हम देवता बनावांगे, तो ईब देवता बनने के लिए इन्हें यही आना पड़ेगा, उसने तो बना लिया जो बनाना था, ये सत्कर मान लेना। कबीर बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो सो बारे, मानुष से देवता किया करत न लाई बारे। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक में जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब क्या बताया कि गुरु मानुष कर जोगने और कर चरणामृत को पान, वैसे तो चरण धोकर पीवे, और वैसे कहीं तो भगवान है, गुरु भगवान नहीं है, तो परमात्मा कहते वो नर नरक में जावेंगे युग युग होए समान। यानी उस चरणामृत का भी आपको कोई लाभ नहीं है, एक देखम देखा और ले रहे हैं तू भी ले ले, नहीं। परमात्मा का चरणामृत मान के और गुरु जी को परमात्मा के तुल सपोज कर ले, गॉड गुरु इज गॉड सपोज कर ले, मान ले मूलधन 100 रुपये, तब बात बनेगी, ये सत्कर्मा। और फिर क्या बताते हैं, हमने पति भर्ता पद पर आना है, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यही मार खाई तुमने वहां पर सतलोक में, अपने कबीर पूर्ण परमात्मा सतपुरुष से मन हटाकर हम इस ज्योत निरंजन काल के तप को देखकर, इसकी एक्टिंग को देखकर हम इस पर आसक्त हो गए, हम पति भर्ता पद से गिर गए। आज हमने फिर उसी स्थिति में आना होगा ताकि भगवान हमने फिर स्वीकार कर ले, हम व्यभिचारियों को वो दाता फिर स्वीकार कर ले,
इस सतीथी में इतना विश्वास अब हमने पैदा करना पड़ेगा, तब वो ऊपर ले जाओगा। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते उपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की कर ही, आज नाम निज हृदय धर ही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। कहते हैं गुरु से अधिक कोई ना ठहरावे। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञान। हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं जो काल ने पैदा कर रखी हैं, और उसने इसलिए कर रखी हैं कि इसका नाम खंड हो जा, ये भगवान से दूर हो जा। और ये प्रोमिस है प्रभु का किया हुआ कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाड़ा, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे तो काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। और काल सबसे पहले यही चाहता है कि इसका युग नाम खंड करवा दे। आप नाम लेकर जाते हो गुणात्माओं, जो मर्यादा हम बताते हैं ये तो मनुष्य की मर्यादा होनी ही चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और भाई ये फंड नहीं करने चाहिए, बेमतलब की बकवास, ये दो चार बातें हैं बताओ, और क्या छुड़वाते हैं हम। आन उपासना हमने करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो करके देख ली उससे लाभ कुछ नहीं। लेकिन इस काल प्रेरणा से घर घर में ये साधनाएं चल रही हैं, ये रीति रिवाजे हैं जो भक्ति बाधक है। तो काल चाहता है कि इनका यू नाम खंड हो जाए, फिर माप देख लूंगा इनको। तो ये हमने आपको बता दिया कि लक्ष्मण जैसी रेखा, गुरु जी का वचन अर्थात ये नियम मानने पड़ेंगे हमें। इनके पालन करने में चाहे आपको कष्ट उठाना पड़े, फिर देखना भगवान आपके निकट कितना आ जाएगा। मीराबाई के साथ क्या हुआ, उन महापुरुषों के इतिहास को देखकर हम इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेंगे। संसार की तरफ देख लिया, हम इस मार्ग पर एक कदम नहीं चल सकते क्योंकि संसार उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और हम कुमार्ग पर चल पड़ेंगे फिर तो परमात्मा कहते फिर काहे कि कुशलात कर दी पक्कुआ पड़े, आत्मा टोर्स दे रखी फिर कुआं पड़न लग रहा, अंधेरे में तो गिर गया आदमी बिना ज्ञान के। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु का वचन निश्चय माने और पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की नकली की नहीं। गुरु की शरणा लीजे भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब ना हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहसर गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभू ना फरही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, सही पूछो वेद पुराण। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के ये मिटे संताप। जन्म जन्म के संताप ये त्रास मिटेगी आपकी। जैसे महावीर जैन जी के जीवन को आप देखो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अपुणात्मा अब हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, अब इन प्राणियों को हम देखते हैं धक्के खाते ब्रह्म मैटी हो रही, हमारी आत्मा सीर जाती है। हे भगवान, ये यही ब्रह्म मैटी है दुरुक्ति हमारी असंख्यों बार होली और अब फिर होनी थी क्योंकि हम परमात्मा के कोसों दूर थे। भले ही साधना भी करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। कहते हैं गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वा के हृदय रहो समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा होगी और उसके हृदय में मैं समाया रहूंगा।
अर्थात पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम कंकर चंपा नहीं उधर जाते हैं वन से। अब कहते हैं जो गुरु जी का भक्त होगा, यानी हर तरह से उनकी मर्यादा का वचन का पालन करता हुआ और गुरु जी को अपने जो है ना परमात्मा के तुल मानकर उनसे डीलिंग कर रहा होगा, गुरु भक्ता मम आत्म होई, जो गुरु जी से जैसा व्यवहार कर रहा है वो उसमें ये समझूंगा कि मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा, तो गुरु भक्ता मम आत्म होई और वा के हृदय रहो सबई। गुरुपद सेवा तरला कोई जाप कृपा साहिब की होई। अब गुरु जी की पद्धति की सेवा माने पूजा, गुरु जी की वे ऑफ वर्शिप, गुरु जी के बताए हुए साधना को वही कर सकता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होगा, और परमात्मा का कृपा पात्र वो होगा जो गुरु जी का भक्त होगा, गुरु जी का भक्त वो होगा जो सब मर्यादाओं का पालन करता होगा। अड़सठ तीर्थ भ्रम भ्रम आवे सो फल गुरु के चरण पावे। कहते अड़सठ तीर्थ और धक्के खाया और वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, वहां जो तू मांगने गया था वो फल वो भी तुझे गुरु जी के पास ही मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया आठ। पहले लोक वेद दंत कथा सुना सुना ज्ञान से हम साधनाएं करते थे और धक्के खाते फिरे थे, यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर रस्ते में परम संत मिल गए, तत्वदर्शी संत मिल गए, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक दे दिया हमारे हाथ में और अब हम उसकी रोशनी में भटक नहीं सकते। फिर परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, अपने ऊपर ही कह रहे हैं, दूसरे ने कहा था काली मान जा काल के दूत, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले है तीन सारो सब काम। कहते भगवान के लिए पर्वत पर्वत पर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा, मेरे को ये लाभ हो ये लाभ हो ये हो, और वो संत परमात्मा जैसे संत मिले, यानी गुरु परमात्मा का कृपा पात्र संत मिला, तब कहते उन न सारे सारे काम। दसवां अंश गुरु को दीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे, ये फार्मूले हैं, अपनी कमाई का दसवां अंश दान कीजिए, दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए, कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है और मन मर्जी का किया हुआ दान भी विफल होता है तो व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा अभी आप बालक को खिलौनों से खेल रहे थे, सतमार्ग आपको मिलानी भक्ति का। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, एक एकड़ में गेहूं बीजता है 40 किलो डालता है, वो डाले डालेगा चाहे घर पे खाने को दाने ना हो पर मोल लाकर डालेगा, और एक मुट्ठी भी कम नहीं करे, दो मुट्ठी यानी एक दो किलो ज्यादा ठोकने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उससे ही वो आबाद होगा। ऐसे ही जो हम दान करते हैं ये कहना पड़ रहा है, जब आप उस हाली की तरह उस किसान की तरह आप इस प्रोसीजर से बिल्कुल परिचित हो जाओगे फिर कहने की जरूरत ना पड़े, आप तो आप पर दोनों हाथों दान करोगे। फिर आज जो आप दान कर रहे हो इसका प्रतिफल आप देख लेना कुछ दिनों में। परमात्मा किसी का भूखा नहीं, किसी चीज की उसके पास अभाव नहीं, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आपको वो धनी या संसारिक जो आवश्यकताएं वो भी पूरी करवाएगा, और बचे हुए आपके दान का जो निस्वार्थ भाव से दान किया हुआ वो भक्ति में काउंट होता है। दसवां अंश गुरु को दीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे। एक भक्त के जो ना रिश्तेदार आए गए, उनका पाठ कर रहे थे हम, वो शराब पी रहा खुद, वो वहां तो उसको बढ़ने नहीं दिया कि आज यहाँ नहीं, आप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, अपने चाचा का छोड़ दिया। अब तीन दिन पाठ करते थे, उसमें 2,500 रुपए पाठ के लगते थे, घर पे करके आया करते हम, आश्रम नहीं बना था। तो फिर वो हम तो अगले दिन भोग ला के अपना संपूर्ण काम करके आ गए, मध्य वाले दिन आ था शाम में,
वो अगले दिन फिर रुक गया। तो शाम को वो उनके घर आया और उसके चाचा ने वो भर दिया, रिश्तेदार कीतनाश करेंगे, बता अलवे बनावे हैं, खुआवे हैं, पता नहीं कौन आ रहा है उनके घर पे, 2,500 रुपये ला दिए। और उसने ऊपर चुबारे बना रखे थे, उनके दरवाजे ना चढ़वाए थे, कवाड़ कोड झाँखी और कवाड़ गेट के। उसके चाचा ने उस रिश्तेदार से कहा 2,500 में तो कुआड़ चढ़ जाते ऊपर, इसने नाश कर दिया, हलवे बना बना खवा दिए, पाठ करवा दिया, 2,500 कहने लग गए इसमें। अब वो रिश्तेदार रिलेटिव आया सामने और वह बोली बोले खुद दारू पी हुए, शराब पी हुए, बकवास दी, अरुण ने शिक्षा दी, यूं कहा तुमने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए ऊपर, 2,500 रुपये का नाश कर दिया, खराब कर दिए। वो भगत क्यों करमाना उस बालक की, कहने लगे कुआड़ भी चढ़ देंगे कभी, परमात्मा दया करेंगे कुआड़ भी चढ़ देंगे, पर यो धर्म बार बार ना होया करता, वो तो सारी मौज होनी थी। तो कहने का भाव ये है कि जिनको कति ज्ञान नहीं वो हमने शिक्षा दें तो फिर हम नहीं मान सकते उसकी। जैसे एक आदि बीज बो रहा था किसान गेहूं का, रस्ते के साथ साथ खेत था, एक ऐसा व्यक्ति जो शहर में पला और शहर में ही पाला पोसा, वहीं पढ़ा, नौकरी लगी ग्रामीण क्षेत्र में, पहली बार वो जा रहा था, किसान बीज डाल रहा था हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसे ओरना बोले हैं हमारे यहाँ, और उसके अंदर से किसान जो है हाली मुट्ठी भर एक थैला टांग लेता है काख में, उसमें 5-4 किलो गेहूं डाल लेता है, उसमें से मुट्ठी भर भर कर उस पाइप में कर जमीन में डालता चल है, बैलों के पीछे हल जोत रखा होता है। अब उस शहरी व्यक्ति ने देखा कि यू आदमी मेंटल है क्या, गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है, वो काफी देर दूर से देखने लग गया था कि यू अच्छा नालायक आदमी, वो निकट आकर खड़ा हो गया और कहा भी रोकी बैलों वाले, और किसान ने सोचा भाई यू को रास्ता पूछता होगा, राह चलता है, हाँ जी बोलो क्या बात है बाबू जी, कहने लगा भले आदमी देश में खाद्य सामग्री की पहले कमी है और आप इस खाने की वस्तु गेहूं को मिट्टी में बर्बाद कर रहा है, तेरा दिमाग कहाँ गया है। अब किसान ने तो इन्हें सोचा ये उल्लू कितना आ गया, ये गुब्बू मन ने शिक्षा दे, और वो किसान ने बोड़ी बूझ मान रहा। तब किसान ने समझाया कि आज जो आपको मैं गेहूं बर्बाद करता नजर आ रहा हूं, ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, ये मुझे आबाद करेंगे। अब या उस बाबूजी के गले उतरे नहीं यह बात, अगमाटी में गिरे और कैसे आबाद करेंगे। तो किसान उस प्रोसीजर से परिचित है, उसका प्रोफेशन है, वो कैसे मान ले उस व्यक्ति की अनाड़ी आज्ञा को। तो एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी। आज आपको संसार के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये तो मूर्ख हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करते हैं। आपको पता चल गया कि ये जो आज हम गेहूं बीज रहे हैं, आज ये बर्बाद होता दिखा पैसा ये आबाद करेगा, आपका वहां से चलकर यहां तक आने जाने का जो किराया है वो भी आपका पुण्य के अंदर है, और जो दान धर्म करते हैं वो भी पुण्य के अंदर है। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, दसवां अंश गुरु को दीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे, गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय, गुरु सुरतरु सुर धेनु समाना, पावचन मुक्ति परवाना। गुरु जी कहते हैं सुरतरु जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं, कहते गुरु जी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष में जो भी आप की इच्छा होती है वो कल्प वृक्ष देता है। तो गुरु सुरतरु देवताओं का वृक्ष और सुरधेनु कामधेनु जिसको कहते हैं, वो दोनों गुण उस सतगुरु के अंदर होते हैं जो यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित है। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे, सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बक वाद निवारे।
गुरु सतगुरु जो ज्ञान बतावे उसी को हृदय में समा ले और बकवादा ने फेंक दे ठाके। किसी प्रकार की कैसी भी आपने क्रिया अच्छी लगती है उसको नहीं करे। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे सो से गए नहीं गए नहीं सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई सेवा हीन नरक में जाई। जो गुरु से चतुरता दिखाता है बकवाद करता है ऊपर मुंह पर मीठा बोला बाद में बीड़ी भी पी जा माता भी दो क्या वर गुरु जी की विजय बोले जा कहती ये नहीं चलेगा। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे सो से रह नहीं गए नहीं सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई सेवा हीन नरक में जाई। भक्ति हीन हो जाएगा और नरक में जाएगा। गुरु से शिष होए सर्वस नहीं वारे ही है कपट मुख प्रीत उतारे। कहते हैं शिष होकर अर समर्पण नहीं किया गुरु जी के प्रति और अंदर से मैं कपट रखे ऊपर ते हाँ जी हाँ जी ठीक है ही है कपट मुख प्रीत उतारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई बिन गुरु मिले मोहे नहीं पाई। गुरु से कपट करे चतुराई सो हंसा भवभर में आई। गुरु से कपट शिष्य जो रखे यम राजा के मुगदर जाके। जो जन गुरु की निंदा कर ही शुकर समान गर्भ में पड़ी। अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित नरक में पड़ी। गुरु को तजय बजय जो आना और तापसुआ को फोकट जाना। गुरु से बैर करे से सोई भजन नाश और बिल्कुल बेगोई उसका कति विनाश हो जाएगा। तो पुणात्मा ये भक्ति मार्ग है और आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आपको इस सत संदेश परमात्मा का मिला है। इसके ऊपर फूक फूक कर कदम रखना और समझा है तो सर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव।